तो आज हम बेबी छोटा भीम का एक स्कल्पचर बनाएंगे जिसकी हाल ही में एक सीरीज नेटफ्लिक्स किड्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एल्युमिनियम फॉइल से एक बॉल बनानी पड़ेगी जो अल्टीमेटली क्ले को स्ट्रेंथ देगा, और फिर उस बॉल को क्ले से कवर करेंगे ताकि हम फेस बना सकें। अब बॉल को क्ले से अच्छी तरह कवर करने के बाद हमें अपने हाथों से उसे थोड़ा शेप देना पड़ेगा। जब इसका शेप थोड़ा फेस जैसे लगने लगे तो हमें उसके गालों में थोड़ी क्ले और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़े गलफुल्ले होते हैं, चबी होते हैं। अब जब हमने क्ले ऐड कर दी है तो उसे थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। उसे स्मूथ करने के लिए मेरे पास तो एक टूल है बट आपके पास नहीं होगा, इसलिए आप सबसे छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्मूथनेस के लिए। अब जब क्ले अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए तो स्क्रू ड्राइवर से उसका माउथ बना लें, और माउथ का शेप मोस्टली डी की तरह होता है, एक बड़ा सा डी जो स्माइल प्रोवाइड करेगा। फिर स्क्रू ड्राइवर से आंखों के लिए दो बड़े बड़े गड्ढे बना दें जिसमें व्हाइट क्ले अच्छे से आता है। अब हमें थोड़ी क्ले और ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि उसका माथा काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ी क्ले ऐड करके उसे भी स्मूथ कर लेते हैं। अब जब क्ले और भी अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए तो अब हमें उसकी आंखें बना लेनी चाहिए। आंखें बनाने के लिए हमें व्हाइट क्ले की दो बॉल्स बनानी पड़ेगी, और ध्यान रहे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि क्ले बहुत सॉफ्ट है, हल्का सा भी जोर क्ले को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अब व्हाइट क्ले को अच्छी तरह से अंदर प्रेस कर दें ताकि वो निकले ना। अब नाक बनाने के लिए एक छोटी सी स्किन कलर की बॉल लें और उसे आंखों के बीच लगा दें, और फिर किसी टूल की मदद से उसे अच्छी तरह से चिपका दें। अब यह कुछ कुछ छोटा भीम जैसा लगने लगेगा। अब दो स्किन कलर की क्ले बॉल्स लें और उससे कान बना लें, फिर उसे भी किसी टूल से अच्छी तरह से चिपका लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके गाल थोड़े पचके हुए लग रहे हैं, इसलिए गाल थोड़े फूले हुए और दिखाने के लिए हमें थोड़ी और क्ले ऐड करनी पड़ेगी। फिर टूल की मदद से इसे भी स्मूथ कर लें। अब जब ये स्मूथ हो जाए तो इसे बेक कर लें। बेक मैं एक नॉर्मल हीटर से करता हूँ क्योंकि ओवन के अंदर क्या हो रहा है हम अच्छे से देख नहीं सकते। क्ले को अच्छी तरह से बेक करने के बाद हमें उसकी आंखें बनाने के लिए दो ब्राउन कलर्स की बॉल बनानी पड़ेगी। अब उन बॉल्स को अच्छी तरह से चिपका लिया जाए। अब आयरिस को अच्छी तरह से चिपकाने के बाद आँखों की प्यूपल बनाने के लिए हमें ब्लैक कलर की क्ले बॉल्स यूज़ करनी पड़ेगी। अब माउथ में डिटेलिंग के लिए ब्लैक कलर की क्ले से एक लेयर लगा दें माउथ के अंदर, इसकी वजह से माउथ के अंदर गहराई दिखेगी। अब लिप्स बनाने के लिए हमें व्हाइट और रेड क्ले को मिक्स करके एक पतली सी लाइन बनानी पड़ेगी, और उसे अच्छे से टूल की मदद से पेस्ट कर देंगे। और जब लिप्स अच्छे से चिपक जाए तो हमें जीभ बनानी पड़ेगी यानी कि टंग, और टंग बनाने के लिए हमें थोड़ा सा लाइट पिंक कलर यूज करना होगा, और उसे भी अच्छी तरह से टूल से पेस्ट कर देंगे। फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और इसे भी हम बेक कर लेंगे। अब बारी आती है बाल बनाने के लिए, और बाल बनाने के लिए हमें ब्राउन कलर की क्ले का यूज़ करना पड़ेगा। बाल की पतली पतली कुछ स्ट्रिप्स बनाएं और उसे अपने हिसाब से पेस्ट करते जाएं। थोड़ी डिटेल्स देने के लिए और एक्स्ट्रा क्ले ऐड करें। फिर सुई या तीली की मदद से बालों पर काफ़ी सारी लाइंस बना दें जिससे बालों को काफ़ी अच्छा टेक्सचर मिलेगा। ठीक इसी तरह काफ़ी सारी लाइंस बना दें। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे भी बेक कर दें। अरे हाँ, बातों में तो हम भूल ही गए, इसके दांत भी तो बनाने थे। दांत बनाने के लिए व्हाइट क्ले यूज़ करें और फिर उसे किसी टूल से चिपका दें। अब इसकी आईब्रोज बनाने के लिए फिर से ब्राउन कलर की क्ले यूज़ करें और उसे भी आंखों के जस्ट ऊपर चिपका दें। और अब ये थोड़ा थोड़ा छोटा भीम जैसा दिखने लगेगा। अब माथे के तिलक के लिए एक रेड कलर की क्ले लें और उसे माथे के बीचों बीच चिपका दें और अच्छा शेप दे दें। अब बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें तार की ज़रूरत पड़ेगी। तार को ऐसे बेंड करें जिससे दो हाथ और एक फुल बॉडी और पैर बन जाए, और उन दोनों को साथ में पेस्ट कर दें किसी टेप की मदद से। अब एल्युमिनियम फॉइल से उसके हाथ, पेट और पैर को अच्छी तरह से कवर कर दें, जिसकी वजह से पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़्यादा क्ले भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इसको एक बार ज़मीन पर रखकर देखें कि ये स्टेबल है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टेबल है।
फिर बॉडी बनाने के लिए एक ऐसी क्ले का यूज़ करें जो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है और वेस्ट हो, क्योंकि स्किन कलर की क्ले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, तो बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं। अब जब क्ले अच्छी तरह से लग जाए तो उस पर एक तार घुसेड़ दें ताकि बॉडी को सर से अटैच कर सकें। अब स्किन के लिए क्ले की पतली सी शीट बनाएं और उससे पूरी बॉडी को कवर कर दें, और उसे स्मूथ करने के लिए अपने हाथ या फिर किसी टूल का इस्तेमाल करें। जब बॉडी पूरी तरह से अटैच हो जाए तो उस पर सर अटैच कर दें और क्ले को अच्छे से उसे जोड़ दें। फिर बारी आती है हाथ और पैर की, उस पर भी अच्छी तरह से क्ले लगा दें और उसे टूल या फिर अपनी उंगलियों की मदद से स्मूथ कर दें। अब स्क्रू ड्राइवर से हाथों की उंगलियां बना लें। अब इतना बनाने के बाद इसे अच्छी तरह से बेक कर लें। जब ये अच्छी तरह से बेक हो जाए तो ऑरेंज कलर की क्ले से एक शीट बनाएं और उसकी चड्डी बना लें। फिर उसे टूल की मदद से अच्छे से चिपका दें या फिर अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर रेड कलर की क्ले से लड्डू बनाएं और उसके हाथों में लगा दें। फिर इसको अच्छी तरह से बेक करने के बाद आपका छोटा भीम कुछ ऐसा दिखेगा।